हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे ये बैग बनाना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको बैग के वीडियो देखने अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद एक बेल का आइकन आएगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। उससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और ये बिल्कुल फ्री है। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो देखिए, इस बैग को बनाने के लिए मैंने ये पीस ऑलरेडी क्विल्टिंग कर दिए हैं। एक पीस की लेंथ है 12.5 इंच और दूसरे पीस की भी लेंथ 12.5 इंच है, विड्थ इन दोनों की 10 इंच है। तो सबसे पहले हमें इसे यूं सेंटर से फोल्ड कर लेना है। एक पीस पर पहले हम कटिंग करेंगे और देखिए एक पिन लगा लेते हैं ताकि ये इधर फिसले ना। अब यहाँ पर ये जो खुला हुआ कॉर्नर है, यहाँ से 3.5 इंच मैं राइट हैंड की तरफ मार्क लगा रही हूँ और 3.5 इंच ही मैं नीचे की तरफ मार्क लगा लूँगी और इन दोनों मार्क को एक गोलाई से मैच कर लूँगी। अब इसके बाद देखिए, यहाँ से हम 3 इंच इस कॉर्नर से 3 इंच नीचे की तरफ लेंगे और इस मार्क को मिलाते हुए एक लाइन लगा लेंगे नीचे की तरफ और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जैसे हमने ये पीस कटिंग किया है ठीक ऐसे ही हम दूसरा पीस भी काट लेंगे। तो ये देखिए, इस पीस को हमने फिर से एक बार सेंटर से फोल्ड कर लिया है, एक पिन लगा लेंगे। अब हम इसके लिए अब हैंडल की कटिंग करेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ से हम 1.5 इंच यानी 1.5 इंच नीचे की तरफ मार्क लगाएंगे और 1.5 ही उस पॉइंट से ऊपर की तरफ मार्क लगाएंगे। ठीक है, अब जो हमने 1.5 ऊपर से नीचे की तरफ लगाया है उससे 1/2 इंच लेफ्ट और 1/2 इंच राइट साइड पर हम मार्क लगा लेंगे और एक ओवल शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हैंडल का होल जो है वो कट गया है। अब इसको हम दूसरे पीस के साथ रखेंगे और वहाँ पर भी मार्क लगा के कटिंग कर लेंगे। तो इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हम काट लेंगे। कटिंग करने के बाद ये हमने स्ट्रेट कपड़े से रेड कलर की स्ट्रिप काट ली है। एक स्ट्रिप की लेंथ 10.5 इंच है और वेथ इसकी 4 इंच है। तो इसको हमें यूं हैंडल के रॉन्ग साइड पर रखना है। 10.5 बाय 4 इंच की ये स्ट्रिप है, एक तो दो की। ठीक है, यूं हमने रखना है इसको और ये हम पिन लगा लेते हैं। इसके बाद ये जो होल है इस पर हमें
स्टिच लगा लेनी है दो दो पॉइंट का मार्जिन रखते हुए। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर बैग के दूसरी साइड भी हम हैंडल पर इसको लगा लेंगे रेड फैब्रिक को। और इसके भी हैंडल के होल पर हमें दो दो पॉइंट का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए अब हम इस हैंडल को जो ये रेड फैब्रिक है इस पर दो दो पॉइंट का मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेंगे। और क्योंकि ये गोलाई पे है तो इस पे छोटे छोटे कट हमें ज़रूर लगाने हैं। और इसको इस रेड स्ट्रिप को पलट के सीधी तरफ लेके आना है। तो सबसे पहले हमें इसकी गोलाई पर एकदम किनारे पर स्टिच कर लेनी है। तो देखिए ये स्टिच जो हमने लगा ली है इसके बाद इस रेड फैब्रिक के निचले किनारे को हमें थोड़ा सा अंदर की तरफ टर्न करके यहाँ पर एक स्टिच लगा लेनी है। ठीक इसी तरीके से दूसरे हैंडल का भी रेड स्ट्रिप का निचला किनारा ऊपर करके हमें यहाँ पर स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए हमने अब इस एक्स्ट्रा जो कॉर्नर है उसको कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर स्टिच लगा लेंगे ऊपरी हिस्से पे। तो ये हमारे यहाँ तक बन गए हैं। अब ये मैंने साइड के लिए और बेस के लिए एक स्ट्रिप काट ली है और स्ट्रिप जो है क्विल्टिंग कर ली है। इसकी लेंथ जो है 34 इंच और वेथ देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हम नाप लेंगे तो ये हमारा हिस्सा 10 इंच आ रहा है। तो हमने यहाँ से 10.5 इंच जो है इस स्ट्रिप को कटिंग कर लेना है। इस स्ट्रिप की जो चौड़ाई है वो 4 इंच है, 34 इंच इसकी टोटल लेंथ है जिसमें कि हमने 10.5 इंच की ये स्ट्रिप कटिंग कर ली है। और इसको सेंटर से हम काट लेंगे। तो ये देखिए हमने ये जो स्ट्रिप काटी है इतनी ही हमने जिप ले लेनी है यानी 10.5 इंच लेंथ की जिप लेकर सबसे पहले हमें इसके एक पीस के साथ इस जिप को स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए एक तरफ तो हमने जिप को स्टिच कर लिया है, इसी तरीके से अब हम जिप के दूसरी साइड क्विल्टिंग पीस का दूसरा पीस स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसे सिल लिया है। अब हम बैक का कोई भी एक हिस्सा लेंगे, रॉन्ग साइड की तरफ हम इसको यूं रखेंगे ऐसे। और देखिए यहाँ से हमें 3 पॉइंट छोड़ देने हैं जब स्टार्ट करेंगे और एंड पर भी 3 पॉइंट पहले ही हमें स्टिच छोड़ देनी है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये देखिए ये एक तरफ का हिस्सा हमने बैक के साथ स्टिच कर लिया है। इसी तरीके से जिप वाले पार्ट के साथ हम बैक का दूसरा हिस्सा भी स्टिच कर लेंगे ऐसे रखेंगे, जो कि हमने रेड कलर की स्ट्रिप को स्टिच किया था ठीक उसके बराबर ही हमें स्टिच लगा के इसे यहाँ पर सिल लेना है। तो ये देखिए जिप वाले हिस्से को हमने बैक के साथ स्टिच कर लिया है। अब हम बाकी का जो ये बचा हुआ स्ट्रिप था जो कि 34 इंच में से 10.5 इंच हमने काट दिया था, उसके बाद जो बचा हुआ है इसको हम एक छोर जिप के एक किनारे के साथ और दूसरे छोर को दूसरे किनारे के साथ स्टिच कर लेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए हमने जिप वाली स्ट्रिप के साथ इस को स्टिच कर लिया है। अब हम बैक के कोई भी एक साइड के साथ इस बेस वाली स्ट्रिप को यूं स्टिच करेंगे। सिलाई जो है वो सीधी तरफ को करनी है। तो ये मैं आगे आपको करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए एक तरफ तो हमने बेस वाली स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है, इसी तरीके से अब हम दूसरी साइड भी इस स्ट्रिप को बैक के दूसरे हिस्से के साथ स्टिच करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने
यहाँ तक एक बैग को सिल लिया है। अब ये मैंने 2 इंच चौड़ी बायस स्ट्रिप ले ली है, यानी कि उरेव स्ट्रिप है ये, 2 इंच इसकी चौड़ाई है। और इसे हम इस तरीके से रखकर स्टिच करना स्टार्ट करेंगे, और जहाँ से हमने स्टिच स्टार्ट किया वहीं पर ऐड कर लेंगे। दोनों तरफ हमें ये लगानी है। तो ये देखिए, अब हम इस स्ट्रिप को टर्न करके सीधी साइड लेके आएंगे, और इसके चौड़ाई को बराबर रखते हुए इसके किनारों को अंदर की तरफ हमें मोड़ लेना है और स्टिच कर लेनी है यहाँ पे। ये देखिए, बैग बनके तैयार हो गया है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करना ना भूलिए, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये बिल्कुल ही फ्री है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।